हेलो एवरीवन मेरा नाम है अरुण चित्रा स्टडी ग्रुप के आपका बहुत बहुत भो स्वागत है प्लीज कंफर्म करिए क्या वॉइस सभी को क्लियर आ रही है और सभी को सब कुछ क्लियर दिख रहा है आज हम लाइव सॉल्व करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैं सभी कंपनी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ सभी मॉर्स मैंने मॉडरेट टू डिफिकल्ट लिए हैं इजी मॉक्स मैंने नहीं लिए हैं तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत बढ़िया लगेगी और आज की क्लास से आप जो मॉडरेट लेवल के जो आरसी होते हैं उनको सीखने का एक बहुत बेहतरीन अप्रोच सीख के जाएंगे यस yes, बताइए सभी को सब कुछ क्लियर दिख रहा है एंड मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या तो हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा आज की क्लास में मैं आपको आर सी सोल्व करवाने जा रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रीशन और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के मैंने आर सी आपके लिए सेलेक्ट करे हैं एक आर सी मैंने लिया है एस बी क्लर्क टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पिलियम्स मोक वन गाइडली का क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं सर गाइडली के जो आर सी हैं वो अच्छे होते हैं तो गाइडली के आर सी को भी मैं आज आपको करके बताऊंगा देखो आर सी ईजी भी आएंगे डिफिकल्ट भी आएंगे अगर आप मॉक्स दे रहे हैं तो हमें देखना है कि एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है एग्जाम में क्या लेवल रहता है उसके हिसाब से हमें चलना है और अगर एग्जाम में ये लेवल आ भी गया जो आज मैं आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे कैसे उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं वो सब जानेंगे इस एक वीडियो में ठीक है चलिए तो एक गाइडली का मोक सोल्व करेंगे प्रैक्टिस मोक का एक मोक होगा जो एस बी क्लर्क का होगा ठीक है इसको हम सोल्व करने वाले हैं आज आर और एक हम सोल्व करेंगे स्मार्ट क्रीड़ा का तो स्मार्ट क्रीड़ा के भी जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा आता है तो स्मार्ट क्रीड़ा के भी मोक में से आरसी मैं आपके सामने सोल्व करूंगा उसके बाद हम लास्ट में करेंगे ओली बोर्ड का और आईबीपीएस एसओ का करेंगे जो प्रीलिम्स का भी लाइव टेस्ट हुआ था ना उसका करेंगे क्योंकि इसका एक आरसी बहुत शानदार है इसमें दो आरसी आए थे दो आरसी में से एक इजी था तो वो नहीं करेंगे हम जो मॉडरेट लेवल का था वो करेंगे तो आज की क्लास में पूरा हम यहाँ पर आर के ऊपर फोकस करेंगे और आर सारे ही अच्छे लेवल के कोई भी सिंपल आर नहीं होने वाला सब अच्छे लेवल के आर होंगे समझेंगे क्या अप्रोच लगानी है मेरे साथ बने रहिएगा और अपना इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखाइएगा क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए आर सी में मोटेट है ठीक है आज ही मेरे साथ और जिनको भी पीडीएफ चाहिए और मेरे जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं प्रैक्टिस के लिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है आप जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको पेड बैच लेना है तो आप हमारे कोर्स में अनरोल करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा नहीं तो आप वेब एक्सेस भी कर सकते हैं।, कैसे करना है? हैं तो आज की क्लास आप सभी के साथ ओपन कर देता हूँ सबसे पहले आज हम गाइडली का ही आरसी सोल्व करेंगे ठीक है देखिए अगर टाइम ओवर हो जाता है तो हम फिर वापिस रिअटम्प्ट करके मॉक्स को देंगे तो मैं देखिए यहां पे मोक नंबर वन ले रहा हूं एसबीआई क्लर्क का तो जो भी स्टूडेंट एस बी ए क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये मैं आपको अब मॉडरेट लेवल के आरसी सिखाने जा रहा हूं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जो भी स्टूडेंट आ गए प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें यार और शेयर कर दें मैक्सिमम स्टूडेंट हमसे जुड़ पाए क्योंकि आज की क्लास वाकई में ही बहुत ही अलग होने वाली है ठीक है चलिए तो आपके सामने एक आरसी ले, ले लेते हैं अपन गाइडली का ठीक है तो मैं इसमें आरसी निकाल देता हूं पहले ये आर सी है क्या यस मुझे लग रहा है आर सी इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन से आरसी आपके सामने आ गया तो देखिए आरसी के अप्रोच में क्या रखने वाला हूं मैं आपको पहले बता देता हूं पहले मैं आपको कुछ सेकेंड दूंगा आपको खुद से देखना है कि आप ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं फिर मैं आपको अपनी अप्रोच दूंगा तो ये सबसे पहले आरसी आपके पास है तो एक बार मेरे साथ देखो इस आरसी की लेंथ कितनी बड़ी है है ना पहले हम इस आरसी की लेंथ को थोड़ा समझते हैं इस आरसी में लेंथ कितनी बड़ी दे रखी है समझिएगा देखिए यहां से आरसी स्टार्ट हुआ है मैं काम करता हूँ फुल स्क्रीन कर देता हूँ यस फुल स्क्रीन हो गई है ठीक है जूम हो रहा है कि जूम नहीं हो रहा है कोई बात नहीं देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है आर अगर आप इसको पूरा रीड करेंगे तो ये आरसी देखना आप कहाँ तक जा रहा है ये आरसी चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है तो यहाँ पे आके एंड हुआ है तो मैं मानता हूं अगर जो स्टूडेंट इस आरसी को पूरा रीड कर रहा है ऊपर से लेके नीचे तक तो मैं मान सकता हूँ उसके छह मिनट लगेंगे ही लगेंगे और छह मिनट के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपका आंसर जो आप लगाओगे वो सही होगा क्योंकि तो आप कुछ ना कुछ उसमें मिस कैलकुलेशन कर सकते हो या आपको कुछ मिसकसेप्ट हो सकता है कि भाई यहां पर ऐसा बोला गया था नहीं बोला गया था ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन वोकेब्लरी बेस्ड है तो एक काम करते हैं वोकेब्लरी बेस्ड क्वेश्चन है मैं आपको वोकेब्लरी पे लेके चलता हूँ लीन वोकेबलरी ये लिखी हुई है आप थोड़ा सा रीड करो पता लगाओ इसका सीरीनोम्स आपको बताना है मतलब सिमिलर एक बार पता करिए क्या आप इसको बता पा रहे हैं नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को नहीं ये जूम जूम नहीं ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़ूम ज़ूम हो जाएगा इससे कर सकता आप लोग थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा लो देखो अब इसका फोन टी ऐसा है गाइड लिखा मैं कुछ नहीं कर सकता मैं मैक्सिमम जूम पे करके बैठा इससे ज्यादा जूम फिर बाहर हो जाएगा चलो अब समझो इधर आ जाओ मेरी बात समझो देखो हम इसको समझते हैं क्या ही वोकेबलरी हम बना पाएंगे पहली बात तो लीन का हमें अगर मीनिंग नहीं पता है तब हमें लाइंस को रीड करना पड़ेगा लाइन से समझ में आएगा कि क्या आंसर लगाना चाहिए ठीक है तो यहां पे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुटिन इन्वेंशन सॉरी इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज चेंज मोस्को अप्रोच वेस्टर्न सेंशन हैसिया टू लीन मोर हैविली ऑन चाइना टू प्रोप अप इट्स इकोनॉमी

पड़ा। ऐसी पर बात रही। कोई बात नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं आज मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसको पहले आप अपने नजरिए बनाओ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे ठीक है मैं एक बार एक काम कर रहा हूँ ठीक है आपके हाथ में कंट्रोल है पूरा आप जब चाहे वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं ठीक है जब चाहे वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं तो मैं स्क्रोल कर रहा हूं पूरा आरसी आप बताओ इसका आंसर आप कैसे लगाओगे ठीक है एक बार मैं स्क्रोल कर रहा हूं पूरा आरसी को ठीक है जाइए बहुत बड़ा आरसी है चलिए देखिए अब एक काम करते हैं देखिए आरसी आपके सामने मैंने स्क्रॉल कर दिया अब आपको जहां-जहां पोस्ट करना कर लीजिए लेकिन एक बार मेरी अप्रोच से चलिए यस मैं इंग्लिश की सबटाइटल इसका डाल दूंगा आप अभी मेरे साथ देखिए वीडियो को ठीक है कोशिश करिए अंडरस्टैंड करने की अब देखिए समझिए बहुत ध्यान से समझिएगा अब आपको भी पता है इतना बड़ा आरसी में रीड नहीं कर सकते टफ आरसी है और आरसी बहुत बड़ा है। अब मेरी में नहीं मिले है? तो, आ तो आपने देखा हाउ हैज रशिया अप्रोच टू नॉर्दर्न सी रूट चेंज रिसेंटली एंड वॉट इट हैव ऑन दी रीजन अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऐसा कीवर्ड निकालना था तो मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ पे जो की है northern east route northern sea route क्या लिखा हुआ है northern sea route तो northern sea route का सिनोनिम से यहाँ पर बना नहीं पाएंगे तो ये कीवर्ड हो जाएगा ये तो इनको लिखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए बस हमें इस कीवर्ड को देखना है आरसी में कहाँ पे लिखा है आप सब चीजें छोड़ दो सिर्फ ये वाला देखो ये कहाँ पे लिखा हुआ है northern sea route अब आप मेरे साथ आओ मेरे साथ स्क्रॉल करो समझो ये कीवर्ड कहां पे लिखा हुआ है ठीक है हां देखिए अगर आप इसको जितना आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सिर्फ आप उस पर फोकस करो फालतू इधर उधर की चीजें मत देखो तो आपने यहाँ पर देखा देखिए यहाँ पर अगर आपने देखा तो आपको साफ दिख जाएगा नॉर्दर्न सी रूट यहाँ पे दिख जाएगा बस इसके पास जरा आ जाओ और इसको जरा अच्छे से रीड कर लेते हैं ये लिखा हुआ है थोड़ा सा यहाँ से जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहां से हम रीड कर लेते हैं ठीक है ये हमें अप्रोच रखनी है एग्जाम के अंदर प्रैक्टिस में पहले लाएंगे फिर एग्जाम में करेंगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई रशिया की अप्रोच थी इस इस रूट को हम चेंज करेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा ये बताना है रीजन पे ठीक है अधिक तो यहाँ पे बोला जा रहा है द न्यू फाउंड कोऑपरेशन इज मोस्ट एविडेंट इन सर्जिंग शिपमेंट ऑफ क्रूड थ्रू द नॉर्दर्न सी रूट व्हिच ट्रेवर्स द आर्टिक आर्किटिक फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रशिया टू दैरिंग स्ट्रेट ओके दॉल्यूम वाइल स्टिल स्मॉल कंपेयर विथ वट इज कैरीड वी आर साउथ ठीक है अब एक काम करते हैं थोड़े ऑप्शन को रीड कर लेते हैं समझ में आ गया यहीं कहीं मिलेगा तो थोड़ा ऑप्शन को रीड कर लेते हैं रशिया इज अलाउिंग अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दी नॉर्थ ईस्टी इस... नॉर्थन सी रूट ठीक है रशिया इज परमिटिंग लार्जर टैंकर विदाउट आइज क्लासिफिकेशन ठीक है रशिया इज रिड्यूसिंग इट प्रेजेंस इन आर्किटिक

स्ट्रॉगन हल्स एंड अदर रेनफोर्समेंट टू सेल दील्ड वोटर्स रेजिंग फीयर्स ऑफ स्पेल इन द रिमोट रीजन अब देखिए अब आप इधर आइए बात को समझिए आपने यहाँ पर देखा आपने यहाँ पे लार्जर टैंकर्स रीड करा आइस क्लासिफिकेशन रीड करा यहाँ पे भी लिखा हुआ है रशिया इस परमिटिंग लार्जर टैंकर्स विदाउट आइस क्लासिफिकेशन विदाउट सो कोल्ड आइस क्लासिफिकेशन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीधा सीधा आंसर हमारे मिल रहा है क्या क्लियर है सभी को देखिए आंसर लगा देते हैं ये लगा दिया है क्या क्लियर है सभी को बताइए समझ में आ रहा है तो कितना भी टफ आरसी क्यों ना हो तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा बस आपको उसकी अप्रोच पता होनी चाहिए यहाँ तक क्लियर है सभी को अगर देखिए बढ़िया लग रहा है पहला क्वेश्चन था तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए धीरे धीरे फ्लो बनाइए आगे बहुत सारे आरसी हैं हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए देखिए फ़ॉल्स और ट्रू वाले हम बाद में करेंगे पहले इसको छोड़ देते हैं इसको छोड़ दो क्योंकि ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है तो मैंने उसको स्किप कर दिया ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्या वॉट लेट टू डेनमार्क एंड कैनेडा अपोजिशन टू चाइना सॉरी टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन दर्किटिक एंड वोट वेयर देयर कंसर्न ठीक है तो यहाँ पर बात जो हो रही है देखिए यहां पे आपको ऐसा तो लिखना ही पड़ेगा इनको और सारी बातें को लेके हो, ले हो रही है तो हम एक काम करें क्या चाइना इन्वेस्टमेंट वर्ड ढूंढ लें चाइनीज इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा की वर्ड ढूंढे इसमें आज मेरे साथ मेरे साथ ढूंढिएगा चलो आज मेरे साथ आरसी समझ में आएगा आपको बढ़िया तरीके से है, हमारे को। नहीं, यहाँ पे की बात नहीं हुई है इसको थोड़ा स्क्रोल करते हैं यहां तक तो हमने रीड कर लिया था कहीं इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं थी तो उसको सीधा आप स्किप कर सकते हैं यहां पर आ जाइए यहां पे कहीं इन्वेस्टमेंट की बात हुई है क्या नहीं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हुई है कोई बात नहीं इग्नोर इसको इसको भी इग्नोर करते हैं यहां पर कई चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात हुई है क्या चाइनीज लीडर की बात हुई है नहीं आप लोगों को भी दिखे तो मुझे जरूर बता देना चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात होनी चाहिए नहीं यहां पर भी नहीं हुई है क्या नो no. मेरे साथ साथ चलिए मैं देखता हुआ चल रहा हूं आप भी देखते हुए चलिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात होनी चाहिए अरे आरसी खत्म हो गया कोई बात नहीं स्टार्टिंग से आ जाते हैं कुछ तो हम मिस करें इसमें जस्ट पहले पहलेके okay, मिला है मिला है किसी को मिला एक मिनट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो है कहीं तो मैं मिस कर रहा हूं चाइनीज टाइम तो नहीं लगना चाहिए नहीं मिला फोर्थ पैराग्राफ कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं एक मिनट रुकिए वापिस से अच्छे से मैं चेक करता हूं अभी एक मिनट के लिए मैं कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ूंगा चाइनीज इन्वेस्टमेंट एक मिनट रुकिए और कुछ देखें क्या कंसर्न चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो इनको लिखना ही पड़ेगा चाइनीज लीडर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया मिल गया मिल गया वो स्केप हो रहा था बार बार ठीक है इधर आ जाइए ये ना चाइनीज इन्वेस्टमेंट ठीक है अगर आप खुद बताओ अब हम इतने आराम से देख रहे हैं उसको इतना कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे हैं तो हमें नहीं मिल रहा अगर हम पूरा आरसी रीड करते तो हमें कैसे पता लगता कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या कंसर्न रहा था तो हमें वापस कन्फर्म करने के लिए आना ही पड़ता तो हम एक बार ही टाइम देंगे लेकिन हमारा आंसर कन्फर्म करेंगे कि सही है नहीं है वो अभी साफ पता लग जाएगा अभी इधर आ जाओ अब इसको जरा अच्छे से रीड कर लेते हैं ये अब हमें मिल चुका है ठीक है चाइनीज इन्वेस्टमेंट हमें मिल चुका है तो यहाँ पर यहाँ पे बोला जा रहा है सिक्योरिटी कंसर्न लेड डेनमार्क टू थ्वार्ट अ चाइनीज प्लान टू बिल्ड थ्री एयरपोर्ट इन ग्रीनलैंड अ सेल्फ गवर्निंग डैनिश टेरिटरी कैनेडा ब्लॉक द चाइनीज कंपनी फ्रॉम बाइंग अ गोल्ड माइक इन इट्स आर्टिटिक रीजन इन 2020 आफ्टर मिलिट्री ऑफिशियल रेस सिक्योरिटी कंसर्न ठीक है अभी दर सिक्योरिटी कंसर्न रिलेटेड टू चाइनीज माइनिंग ऑपरेशन हो सकता है चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इन आर्किटिक मिल्टी एक्सरसाइज नहीं होगा चाइनीज प्लान टू बिल्ड एयरपोर्ट इन ग्रीनलैंड

तो हम यहाँ पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए ठीक है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में बात हो रही है सिक्योरिटी कंसर्न था रिलेटेड टू चाइनीज माइनिंग ऑपरेशन ठीक है इसलिए हम ए के साथ जा रहे हैं ग्रीन लैंड के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है आर्किटिक के बारे में बताना है आर्किटिक रीजन के अंदर क्यों इन्होंने क्या कंसर्न दिखाई ये कंसर्न इन्होंने दिखाई क्लियर है सभी को ठीक है मिल गया थोड़ा सा यहाँ पे ढूंढने में मुझे टाइम लगा वो मैं मानता हूँ ठीक है लेकिन अगर आप हाँ प्रैक्टिस करें कॉन्सेंट्रेट होकर करें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली मिल ही जाएगा दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं चलिए आगे इधर इसको बनाइए यहां पे क्या बोला जा रहा है हाउ हैज दी कंफ्लिक्ट इन यूक्रेन इन्फ्लुएंस्ड रशिया आर्किटिक पॉलिसी एंड इट्स रिलेशनशिप विद चाइना चलिए अब हम क्या करेंगे यहां पर अब हाँ हम यहाँ पे समझेंगे कि रशिया की जो आर्किटिक पॉलिसी है कोई पॉलिसी आई रही होगी इनकी उनके लिए क्या रिलेशन है चाइना के साथ तो एक काम करते हैं है रशिया की पॉलिसी के बारे में जिक्र हो रहा होगा तो रशिया की कोई पॉलिसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं और पॉलिसी कैसी होगी आर्किटिक पॉलिसी होगी ठीक है आज ही मेरे साथ इसको भी चेक करते हैं अपन रशिया आर्किटिक पॉलिसी तो रशिया यहाँ पे आर्किटिक है हमें पॉलिसी के बारे में इनके जानना है कोई इनकी पॉलिसी रही होगी चलिए मेरे साथ रशिया नहीं रशिया आर्कटिक पॉलिसी ये रहा, रशियन पॉलिसी एनीमोर आर्कटिक पॉलिसी चाहिए हमारे को ठीक है इसको इग्नोर करते हैं अच्छा है आरसी नो डाउट अच्छा है आर्कटिक रीजन कनाडा इ तो हमने रीड कर ही लिया है रशिया की आर्कटिक और इन दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में हमें जानना है नहीं रशिया की आर्कटिक पॉलिसी हम्म हम्म वेस्टर्न सैंक्शन्स हैव फोर्स्ड रशियन टू लीन मोर हैवीली टेक सपोर्टेड एफर्ट मेंटेनिंग नॉन-अस्टिंग गोल्ड हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखिए इसका आंसर हमें पहले ही मिल चुका है जब हमने वो कैब करी थी तो हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे इसके ऊपर सेंक्शन लगे तो यहाँ पे ये यह बोला जा रहा है हाउ वज द कंफ्लिक्ट इन यूक्रेन इन्फ्लुएंस रशिया आर्किटिक पॉलिसी एंड इट्स रिलेशनशिप विथ चाइना बोला जा रहा है कि जो इन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक करा रशिया ने तो इसने रशिया की जो आर्किटिक पॉलिसी थी उसको कैसे इफेक्ट करा कैसे इन्फ्लुएंस करा और इसके रिलेशन क्या थे चाइना के साथ तो हमने यहाँ पर रीड करा था देखिए इन्होंने क्या करा कि जैसे इन्होंने करा यूक्रेन के अंदर चेंज मौस्कों एप्रोच। मौस्कों की एप्रोच चेंज की वेस्टर्न ने फोर्स कर दिया इसको चाइना के ऊपर और ज्यादा सपोर्ट होने में और ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड होने में और इन्होंने क्या लिखा इज लास्टिंग गोल फॉर डेवलपिंग दी आर्किटिक पुटिन तो यहाँ पर हमारे को, यहां से पता लग रहा है कि और ज्यादा डिपेंड हो गए तो एक बार अगर आप यहाँ पर ए ऑप्शन से रीड करते हुआ रशियन है तो गलत हो जाएगा रशिया नहीं

ठीक है चले आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। इसको बनाइए क्या बोला जा रहा है वट इज कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन का क्या क्या होगा? Corporation का यहां पे कॉरपोरेशन दिख रखा है लिख रखा है बता दीजिए जल्दी से कॉरपोरेशन का अपोजिट वर्ड सबको पता है कॉरपोरेशन मतलब मिलकर काम करना पार्टनरशिप सिनर्जी एक ही बात है डिस्कर्ड एक होता है अकर्ड ठीक है डिस्कर्ड अकर्ड अकर्ड इसका इसका अपोजिट हो जाएगा अकर्ड मतलब साथ में मिलके चलना डिस्कर्ड हो जाएगा अपोजिट डिसएग्रीमेंट तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे डिस्कर्ड ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो चलिए आगे चलते हैं क्या ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं विथ सेंटेंस करेक्टली रिप्रेजेंट चाइनाज गोल इन दी आर्टिक एज मैं इन दी पैसे तो चाइना का गोल क्या है तो आपको फर्स्ट लाइन में दिख जाएगा चाइना का गोल क्या है जरा अच्छे से रीड कर लो और बता दो इसका आंसर क्या होगा अभी देखिए पहला आरसी धीरे धीरे फ्लो बनाएंगे और आगे देखेंगे बहुत शानदार आरसी है ओहो टाइम हो गया कोई बात नहीं जल्दी से चलते हैं अब थोड़ा फास्ट करेंगे टाइम ज्यादा हो गया जल्दी से रीजनिंग आ गई पहले देखते हैं जो हमने करा है वो तो सही होंगे पता है मुझे इसलिए लाइफ में ये दिक्कत आती क्या हमारे सही हैं? यस हमारे सभी सही हैं। कोई बात नहीं इधर जाओ जल्दी से करते हैं मैं नहीं चाहता इतना टाइम हमारे को लगे तो हम सेवनटीन क्वेश्चन पे हैं। अभी डबल डबल दिखेगा चाइना का गोल बता दीजिए चलिए आज ये इसको समझते हैं चाइना का गोल समझते हैं चाइना का गोल क्या था क्या बोला जा रहा है चाइनाज गोल फॉर बिकमिंग अ मेजर प्लेयर इन द आर्कटिक हैज लॉन्ग बीन फ्रस्ट्रेटेड बाय इट्स नेबर रशिया रशिया के कारण वो पूरा नहीं कर पा रहा है विच हैज क्लोजली प्रोटेक्टेड इज डोमिनेंट रोल इन द रीजन ये इसको क्या कर रहा है प्रोटेक्ट कर रहा है रोक रहा है इसको ठीक है आगे बढ़ते हैं नाउ अलोंग विद द आइस डैट एनकेजी कंपनी टू पुलिया इसके गोल के बारे में एविडेंट इज सर्जिंग शिपमेंट ऑफ क्रूड थ्रू दॉर्दन ईस्ट ये तो हम पढ़ चुके हैं नहीं। अभी तक गोल नहीं मिला है हमें ये ये तो चाहता था एक काम करते हैं हमें ये तो पता चल गया ये अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता था तो यहाँ पे रीड करते हैं ये डबल डबल ऑप्शन है ठीक है ये अगर री अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें डबल डबल ऑप्शन आता है गाइडली में पता नहीं क्यों चाइना इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन आर्किटिक तो मिलिट्री प्रेजेंस देखिए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता कोई बात नहीं चाइना एम टू रिड्यूस इट्स रोल इन नहीं रिड्यूस तो नहीं आएगा चाइनाज गोल इन दी टू एक्सेस नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इट्स स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस हो सकता है चाइना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन दी आर्किटेक एस टू डिक्रीज इट्स मिलिट्री नहीं ये नहीं होगा नन ऑफ दी या तो इसका आंसर होगा ए नहीं तो इसका आंसर होगा ये सी ऑप्शन होगा अब आ जाओ जरा थोड़ा सा और नीचे चलते हैं कहीं तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमें मिलेगा चलिए यहाँ से रीड करिए यहाँ तक हमने देख लिया यहाँ तक हमें कुछ नहीं मिला अब यहाँ से रीड करते हैं यहां तक तो हमने रीड कर ही लिया था हमें चाइना के गोल के बारे में जानना है। इसका गोल क्या था एक मिनट यहां तक हमने रीड कर लिया था इसको यहां तक पूरा हो गया था ठीक है अब यहां से देखते हैं इसमें कुछ हमारे मिल रहा है क्या? इसके गोल के बारे में पता चल रहा है रशिया नहीं हमें चाइना के बारे में जानना है नहीं देखिए हैज वांटेड टू एक्सपेंड इट्स रोल इन दर्किटेक्ट टू इंक्रीज एक्सेस टू शिपिंग रूट्स नेचुरल रिसोर्सेस क्लाइमेट एंड अदर साइंटिफिक रिसर्च अपॉर्चुनिटी एंड इट्स मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक क्लाउड चाइना एम टू रिड्यूस ये तो नहीं था ए ऑप्शन क्या था एक बार ए ऑप्शन पे आइए चाइना इज प्राइमरी इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग इज मिलिट्री प्रेजेंस इन दी आर्किटिक तो एक्सपेंड इज मिलिट्री ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है चाइना गोल टू दी टू एक्सेस नेचुरल रिसोर्स इंक्रीज इट्स स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस यहाँ पे प्राइमरी लगा के इन्होंने गलत कर दिया प्राइमरी फोकस नहीं था ऐसा नहीं बोल सकते पहला फोकस ये था इनका ये वाला फोकस हमें लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी लगाना पड़ेगा क्या क्लियर है सभी को सी ऑप्शन हमने कैसे लगाया बहुत अच्छा आर है ये अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे आर की तो आप धीरे धीरे यूज हो जाएंगे इस लेवल को भी बनाने के लिए क्या क्लियर है सभी को तो देखिए हम यहाँ पर आंसर ये लगा सकते थे लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट नहीं बोला कि इसका गोल क्या था इसका गोल ये तो था कि ये अपनी प्रेजेंस मेजर प्लेयर बनना चाहता है बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहता है लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रखा था तो हम नीचे थोड़ा स्क्रोल करते गए ये हमने रीड कर लिया था इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर लिया ये हम रीड कर चुके थे ना पे हमने बताया था क्लासिफिकेशन वाला तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया फिर लास्ट में जाके हमें यहां पर मिला इसके गोल के बारे में एम हो या गोल हो एक ही बात है तो मैंने यहां से जाके इसका ऑप्शन सी लगा दिया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन अब खत्म है लास्ट ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन इसका बचा था एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ा है जल्दी से उसको कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स वाला फिर चलते हैं दूसरे आरसी पे प्रैक्टिस मोस्ट के आरसी पे चलते हैं देखो क्या ये वाला क्वेश्चन हम बना सकते हैं ट्रू और फॉल्स वाला जल्दी से चेक करिए क्या बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू दी पैसेज विच ऑफ स्टेटमेंट इज आर फोल्स फोल्स वाली स्टेटमेंट आपको बतानी है फॉल्स फॉल्स वाली वाली अब देखिए हम कैसे बताएंगे मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से सुनना है ना अब देखिए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है मैं आपको टाइम दे रहा हूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है आप यह वाली क्लास सिर्फ अप्रोच सीखने के लिए देखिए खुद से अभी ट्राई मत करिए खुद से ट्राई करेंगे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अभी चार चार आर्जी करने में ठीक है इधर आ जाओ देखिए दी रशियन फॉरेन मिनिस्टर रशियन फॉरेन मिनिस्टर पकड़ लेंगे ठीक है हम इससे आंसर तक पहुंच सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज चेंज मोस्को अप्रोच ये तो हमने रीड कर रखा है एक बार और आपको चेक करा दूंगा रशियन सॉरी रशिया हैज नॉट ऑलवेज वेलकम चाइना टू दी रिजल्ट ये हमने नहीं पढ़ा इसको चेक कर लेंगे राइट टू रेगुलर ट्रांसलेट टू दी रूट देखो असर्ट हमने पढ़ा था आपको ध्यान हो जब हम रीड कर रहे थे तो ये आया था कोई बात नहीं एक काम करते हैं पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूं पहले तो हम ये देख लेते हैं रशियन फॉरेन मिनिस्टर उसके बाद कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेंगे फिर देखते हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुटिन ये सेम ऐसी लाइन लिखी हुई थी या कुछ चेंज था तो देखिए जब हम इसको पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा था रशियन व्लादिमिर पुटिन चेंज मॉस्को अप्रोच सेम यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है इसका मतलब मैं false बताना है बताना तो second जिस में होगा वो हमारा नहीं हो सकता तो सेकंड है वो नहीं होगा। हमें false बताना ना सेकंड वाला तो ट्रू है थर्ड तो तो और फोर्थ आंसर रहेंगे या फिर हमारे पास आंसर में होगा ओनली वन या तो थर्ड फोर्थ या ओनली वन ठीक है चलो अब एक काम करें रशियन फॉरेन मिनिस्टर चेक करें हुआ है आज मेरे साथ रशियन फॉरेन मिनिस्टर चेक करते हैं तो आप देखिए लगभग हमने पहला आर्सी पूरा स्किम करा था हमें यहाँ पर चलो एक बार और कर लो मेरे साथ वैसे तो मुझे पता है यहाँ पे नहीं मिला है रशियन फॉरेन मिनिस्टर तो आप फॉरेन मिनिस्टर ढूंढिए मेरे साथ थोड़ा जूम करूं क्या नहीं ज्यादा जूम हो जाएगा हाँ जी रशियन फॉरेन मिनिस्टर मेरे साथ आप लोग सर्च करिए रशियन रशियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे हम पूरा एक बार इसको देख चुके हैं यहाँ पे कहीं भी फॉरेन मिनिस्टर की बात नहीं हुई थी मिलिट्री रशियन फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्टर वर्ड अगर आपको दिखे तो आप रोक सकते हैं क्योंकि रशियन फॉरेन मिनिस्टर तो इनको लिखना ही पड़ेगा अगर ऐसी कोई बात हुई है तो देखिए आर सी मैं एक बार बना चुका हूँ ऐसे ही मेरी जो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ ना ये अप्रोच लगा के मैं बना चुका हूँ तो मुझे रशियन फॉरेन मिनिस्टर मिला था लेकिन बहुत नीचे जाके मिला था तो मैं आपको एक बार दिखाते हुए चल रहा हूं व्लादिमीर पुतिन की बात हो गई प्रेसिडेंट की बात हो गई रशियन सर्टेनली नहीं रशियन फॉरेन मिनिस्टर स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट नहीं फॉरेन मिनिस्टर ये रहा मिल गया देखिए दे रशियन फॉरेन मिनिस्टर मिल गया अब इधर रुक जाओ इधर रुक जाओ थोड़ा सा यहां पे इसको अच्छे से पढ़ दी रशियन फॉरन मिनिस्टर डेड नॉट रेस्पॉन्ड टू अ रिक्वेस्ट फॉर अ कमेंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दी रशियन फॉरन मिनिस्टर कमेंट तो यहाँ पे बोला जा रहा है डेड नॉट देखो यहाँ पे डेड नॉट लिखा हुआ है और यहाँ पे डिड लिखा हुआ है ये आगे यहाँ पे डिफरेंस ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है देखो यहाँ पे डेड नोट लिखा हुआ है यहाँ पे डिड लिखा हुआ, है। हुआ, है। हुआ है। इसका मतलब क्या first false है फर्स्ट फोल्स है फोल्स वाला बताना है अब जिस ऑप्शन में फर्स्ट होगा वो हमारा आंसर होगा तो फर्स्ट किस किस ऑप्शन में चेक कर लेते हैं फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में फर्स्ट है तो उसका आंसर ओनली फर्स्ट हो सकता है या नन ऑफ अबव भी हो सकता है नन ऑफ का मतलब ये हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं लेकिन आपको है ना ओनली फर्स्ट तो है ही तो इसका मतलब नन ऑफ दी एक तो मिल गया एटलीस्ट तो वो एक तो हम लगाएंगे तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है सभी को ऐसे हम इस आरसी को कर सकते थे तो आपने देखा बहुत अच्छे लेवल का आरसी था इसमें से एक क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ एक आध ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे तो अब जाके हमारा एक पहला आरसी खत्म हुआ है गाइडली गाइडली का का था मैंने सोचा पहले ले लेते हैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट से स्टार्ट करते हैं अब चलते हैं थोड़ा डुएबल आरसी अब हम प्रैक्टिस मुक का आरसी ले, ले लेते हैं ठीक है आ जाइए प्रैक्टिस मुक का आरसी सॉल्व करते हैं इंग्लिश ये पहला ही आरसी आपके सामने है मेरे साथ बनाए रखिएगा इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा जो स्टूडेंट अभी अभी जुड़ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अब देखिए इसमें आरसी रीड करने की जरूरत नहीं है आप इधर देखो मेरे साथ देखो इसमें कोई ऐसा कीवर्ड जिसका सिनोनिम्स नहीं बना पाए देखिए क्या ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बना सकते हैं क्या ये सेकंड वर्ल्ड वॉर वोर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बना सकते हैं नहीं बना सकते ठीक है चलो इसको जरा चेक करते हैं ये जहां पर होगा ना उसके आसपास आंसर होगा बात क्या बोली जा रही है हाउ डिड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रैक्टिस चेंज हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो आ जाओ मेरे साथ ढूंढो सेकंड वर्ल्ड वॉर ढूंढना है हमारे को जाओ यहां से स्टार्ट करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ढूंढना और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मिले तो भी रुक जाना तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात जहां पर भी हो रही होगी देखो पहले यहां से लेके अब इसमें क्या आरसी इन्होंने अलग अलग लिख रखे है ना पैराग्राफ अलग अलग लिख रखे हैं तो इसमें हम तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं उसमें तो क्या एक ही आरसी पूरा ही लिख रखा था तो यहां तक देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिखा क्या सिर्फ इतनी नजर घुमाइए नहीं दिख रहा अब नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे दिख रहा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दिख जाएगा तो भी चलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो मिलना ही चाहिए मॉडर्न बिगेस्ट नहीं नहीं। अगर आप लोगों को दिखे तो मुझे बता देना सेकेंड वर्ल्ड मिल गया आ जाओ रहा अब बताओ आंसर क्या है खुद बताओ बाप देखिए मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए एक दो बार देखा करिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं सारी चीजें लाइव प्रूफ देता हूँ जो इंप्लीमेंट हो सकता है वही सिखाता हूँ थैंक यू पंकज प्लीज सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए आप बहुत बढ़िया आपको अप्रोच दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस में लाइए कंफर्म आपके आरसी में जितने भी आप करोगे देखो मैं मानता हूँ आरसी सभी करते होंगे लेकिन कभी भी आपके 100 परसेंट एक्यूरेसी आती नहीं होगी बहुत कम स्टूडेंट है जिनके 100 परसेंट एक्यूरेसी आती है आप रियली अप्रोच लगा के करिए आपकी एक्यूरेसी हंड्रेड परसेंट आएगी चाहे आपसे छह क्वेश्चन ही क्यों ना नब इधर आ जाइए

लेकिन हमें डायरेक्ट आंसर मिला है मैं मान लेता हूँ रीड करने में छह मिनट लगते यही हम छः छह मिनट में कम से कम सात से आठ क्वेश्चन कर देंगे और एक्यूरेट करेंगे हमें ही फायदा है जो रीड करके कर रहा है उसको कभी फायदा नहीं होगा वो हमसे पीछे ही रहेगा देखो एक बार चेक करो देखो कितने पैराग्राफ है ये देखो पहला पैराग्राफ ये दूसरा पैराग्राफ ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा ये छठा पैराग्राफ ये सातवां ये आठवां आठ पैराग्राफ है क्या आठ पैराग्राफ आप एग्जाम में रीड कर सकते हैं ध्यान में रख सकते हैं कि आठ में क्या बोला गया नहीं रख सकते तो ये जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं ये प्रैक्टिकली प्रूव अप्रोच है अब देखो यहां पर क्या की वर्ड है वॉज कॉज बिहाइंड बर्ड पॉपुलेशन डेक्लाइन तो बर्ड पॉपुलेशन की तो बात करनी ही पड़ेगी और उसको डेक्लाइन करने की बात करनी पड़ेगी रेजोल्यूशन आप लोग बढ़ा लीजिए अपना अगर नहीं दिख रहा है तो इससे ज्यादा जूम करूंगा तो बाहर हो जाएगा बहुत ज्यादा जूम हो जाएगा आ जाइए मेरे साथ देखिए क्या देखना है हमें बर्ड पॉपुलेशन डेक्लाइन तो मेरे साथ बर्ड पॉपुलेशन जरा चेक करिए कहां पे लिखा हुआ है और क्यों डेक्लाइन हो रही है हमें पता लगाना है पॉपुलेशन वर्ड ढूंढ लीजिए नहीं इस, 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 इस पैराग्राफ में नहीं पॉपुलेशन ये, ये मिल गया लेकिन डेक्लाइन की बात करनी है

उ डज तो पे पेस्टिसाइज एंड फर्टिलाइजर यूज सॉरी यूज लीड टू बर्ड पॉपुलेशन डेक्लाइन तो यहाँ पे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की बात हो रही है कि ये कैसे बर्ड पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी सेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर लिखा है क्या नहीं लिखा है नहीं क्या बताओ ऊपर गया हो नहीं वो क्वेश्चन कहां था एक मिनट दे ये रहा द लार्ज यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज ऑन फार्म इज पर्टिकुलरली इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन अक्रॉस यूरोप तो हमें बताना है कि इस, इसका कारण क्या है जरा चेक करिए आप लोगों को मिल रहा है इसका आंसर यहाँ पर डी बता रहे हैं सभी नहीं यहां पर तो आंसर नहीं मिल रहा है तो हमें क्या देखना है पेस्टिसाइड हाउ डस पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर के इफेक्ट चेक करने हैं हमें नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है ऊपर तो कुछ नहीं है नीचे ही मिलेगा आंसर ये रहा मिल गया वी बिलीव दैट बर्ड आर मेनलीफेक्टेड बाय पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर थ्रू लॉस ऑफ फूड ठीक है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है लॉस ऑफ फूड थ्रो दिस केमिकल मे बी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर हेल्थ टू तो थ्रो लॉस ऑफ फूड थ्रो दी बाई लीडिंग टू लॉस ऑफ फूड बिल्कुल क्लियर ठीक है सिंपल क्वेश्चन मिल गया अब चले आगे देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे मुझे आंसर मिला नहीं ऐसे कोई ऑप्शन मिले नहीं जो डायरेक्ट क्लिक हो यहाँ पर मिल ही नहीं जाता कोई ऑप्शन इसलिए फिर हमें और स्क्रॉल करना पड़ा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये तो बहुत ईजी है आप लोग ये सन तो देख सकते हैं 1982 एटी टू ये कहां पे लिखा हुआ है बताइए क्या आएगा आंसर जल्दी से आंसर दीजिएन नाइनटीन एटी एंड टू कॉमन बर्ड्स इन यूरोप डेक्लाइन इन एबंडेंस एब बायर बट नंबर्स ऑफ फार्मलैंड बर्ड्स मोर देन हाफ ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर आल्सो डेक्लाइन इन बोथ वुडलैंड बर्ड्स एंड अर्बन ड्वेलर्स

ऑल बी ऑल ए बी सी तो इसका आंसर हमें क्या लगाना चाहिए ऑल ए बी सी सिंपल क्वेश्चन ए और बी क्यों बोल रहे हैं सभी होगा ना क्या बोला जा रहा है इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें कमी आई थी जो कम हो गए थे ठीक है चले आगे चलिए इसको बनाइए ये मैं कह सकता हूं एग्जाम का लेवल है ऐसे आरसी आपको एस बी क्लर्क में देखने को मिलेगा ये लेवल ठीक है द रेस्पॉन्स ऑफ बर्ड्स टू विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स दॉ वेरिएबल एंड स्पेसीज स्पेसिफिक अब यहां पे ध्यान में रखिए आपको यहाँ पे क्या की वर्ड देखना है स्पेसीज स्पेसिफिक आज ही मेरे साथ स्पेसिज स्पेसिफिक देखिए स्पेसीज स्पेसिफिक स्पेसीज मिल रहा है स्पेसी स्पेसिफिक हमें ढूंढना है स्पीसीज ढूंढिए और स्पेसिफिक ढूंढिए स्पीसीज जहां पे भी मिले उसके आसपास स्पीसी स्पेसिफिक लिखा हो तो ढूंढिए एक बार मिलता है तो ठीक है नहीं तो स्किप कर देंगे देखिए मिल गया है मुझे आप लोग को भी मिल जाना चाहिए और आंसर बता दो हाउ बर्ड्स रेस्पॉन्डेड टू चेंज इन फॉरेस्ट कवर अर्बनाइजेशन क्लाइमेट चेंज वॉज मच मोर वेरिएबल एंड स्पेसीज स्पेसिफिक फैक्टर्स वॉज वेरिएबल एंड स्पेसीज स्पेसिफिक क्या है क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट कवर चेंज इन फॉरेस्ट कवर लिख रखा है चेंज इन प्रिडेक्टर्स पॉपुलेशन प्रिडेक्टर्स मतलब होता है शिकारी नहीं तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम ए और बी लगाएंगे डी आंसर लगाएंगे सिंपल चले आगे चलिए डाटा शोज दैट डैश मिलियन बर्ड्स हैव फ्रॉम यूरोप टोटल पॉपुलेशन ओवर है लास्ट फोर्टी ईयर तो लास्ट फोर्टी ईयर्स लिख रखा होगा उसको हम चेक कर लेते हैं कहीं बार यहाँ पे फोर्टी न्यूमेरिकल लिख रखा है तो यहाँ पे वर्ड में लिख देते हैं तो ये भी ध्यान रखना पहले एक बार देख लो फोर्टी दिख रहा है कि कहीं पे आपको मेरे को तो फोर्टी दिखा था नहीं दिखा कहाँ गया ये 40 मिल गया बताइए आंसर येरा 40 फोर्टी तो एस्टिमेटेड 550 मिलियन बर्ड्स तो 550 आंसर आ जाएगा सिंपल क्वेश्चन चले आगे चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू ग्रिम एज यूज्ड इन दैसेज तो ग्रिम का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या है ये लिखा हुआ ग्रिम इसको ढूंढिए जो स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए देखिए यहाँ पर बात दिस डाटा पेंट्स अ ग्रीम पिक्चर एन एस्टिमेटेड 550 मिलियन बर्ड हैव बीन लॉस्ट फ्रॉम यूरोप टोटल पॉपुलेशन ओवर द लास्ट फोर्टी ईयर तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि, कि किसी की पॉपुलेशन कम हो रही है तो कैसे पिक्चर दिखाएगा कोई ना तो कोई नेगेटिव बात होगी तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं प्रिसाइज तो नहीं आएगा रियर रियर भी नहीं आएगा और रियर पिक्चर नहीं आएगा नहीं ये भी नहीं आ सकता सिली असिली पिक्चर नहीं आ वेन वेन मतलब पॉजिटिव होता है वेन नहीं आ सकता इसमें आएगा पुअर ये एक बहुत ही पुअर पिक्चर दिखा रहा है कि भाई बहुत ही कम पॉपुलेशन हो गई है तो इसका आंसर हमें क्या लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए लगाना पड़ेगा अगर आप श्योर sure नहीं है कॉन्फिडेंट नहीं है तो स्किप कर देना कोई दिक्कत नहीं ठीक है चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए एलिविएट एलिविएट का अपोजिट मीनिंग बताना है तो एलिविएट का वैसे भी मीनिंग आपको बताना चाहिए जिसको नहीं पता तो देख लो भाई एलिवियट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना इंक्रीज करना पॉजिटिव होता है ठीक है तो इसका हमें अपोजिट बताना है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा रोशन मतलब बहुत ज्यादा खराब कर देना तो इसका आंसर क्या आएगा बी आएगा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है चले आगे चलिए चलिए ये हमारे यहाँ पे खत्म हो गया आरसी तो आप खुद देख पा रहे होंगे आपने अभी मेरे साथ एट क्वेश्चंस करे हैं और एट के एट क्वेश्चन अगर आप आठ के आठ क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको भी पता आप सभी सही कर रहे हो क्योंकि आप देख के लगा रहे हो तो इसमें एक्यूरेसी बन जाती है आप चाहे छे क्वेश्चन भी करते हैं ना तो आपको एक्यूरेसी पता होती है मेरे छह मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे कहीं नहीं जाएंगे तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस में लाना है ये वाली अप्रोच ठीक है चलिए तो दो आर कर लिया हमने गाइड लिखा कर लिया और प्रैक्टिस मुक का हो गया अब आ जाइए मेरे साथ अब हम चलते हैं स्मार्ट क्रीडा का मुक लेते हैं है ना आ जाओ स्मार्ट क्रीडा का एक मुक ले लेते हैं स्मार्ट कीड़ा तो रियटाइम मोड पर डाल रहा उसको पूरा इंग्लिश इंग्लिश आ गया हमें चाहिए आरसी एर, नहीं हिंदी ब्लैंक्स नहीं, नहीं। कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट मिल गया ये रहा तो ये दिस क्वेश्चन यस थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए देखिए ज़ूम सामने क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है जो टॉपर है टॉपर ने टाइम कितना लिया है 80 सेकंड का टाइम लिया बात को ध्यान से समझना और एवरेज टाइम देखो तीन पंद्रह तीन पंद्रह को अगर मैं छह से साठ से डिवाइड करूंगा

टोपर के टाइम को बीट करना है तो डुरुकेन, बोटेनिस्ट और करीम्स और ये क्या लिखा हुआ है बहरोज बिरयानी ठीक है तीनों रीड कर लिए अब देखो एक तो मुझे सीधा ही मिल गया करीम मतलब पहला वाला सेकेंड वाला तो आंसर होगा ही होगा तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा एक और ऑप्शन जल्दी से चेक कर आता हूं मतलब डी ऑप्शन भी हो सकता है तो ऑप्शन से मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा ठीक है कोई बात नहीं एक रेस्टोरेंट मैंने पढ़ लिया ठीक है और रेस्टोरेंट जब मेरे साथ ढूंढते हैं ठीक है एक रेस्टोरेंट मुझे मिल गया है ठीक है करीब मिल गया मुझे और उसने क्या बोला है डी से कोई नाम था रेस्टोरेंट का वो बोला है, देखो ये मिल गया डी वाला भी मिल गया मुझे दो मिल गए मतलब मुझे पहला और दूसरा मिल गया तो पहला और दूसरा मेरा आंसर होगा ही होगा तो वन और टू मेरा आंसर होगा ही होगा और मुझे तीसरा रीड करने की भी जरूरत नहीं ये मुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा अरे यार नोट बीन डिस्कस सॉरी ये तो इंसल्ट हो गई इसने मैंने देखो यही आपसे हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है अभी मेरी इंसल्ट हो गई ना आपकी भी हो सकती है इन्होंने क्या बोला हैज नॉट क्या डिस्कस नहीं करा गया और मैंने फ्लो फ्लो में जो डिस्कस कर रखा है वो बता दिया तो ओनली थर्ड हमें मिला ही नहीं था थर्ड फर्स्ट और सेकेंड मिल गए थे तो थर्ड हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाता ठीक है नोट वाला लगाना था तो इस बात का ध्यान रखिए बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए क्योंकि यही गलती हमारे से एग्जाम में हो जाती है तो ये हमें सीखना है ठीक है तो आज मेरे साथ हुआ है चलते एग्जाम में हुआ है आपके साथ भी हो सकता है तो ये इंसल्ट आपके साथ ना हो तो इसका ध्यान रखिएगा ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा और यकीन मानिएगा 80 सेकंड हमें नहीं लगेंगे हमें कम टाइम लगेगा एक मिनट से बहुत कम टाइम लगेगा 80 सेकंड का मतलब लगभग डेढ़ मिनट ले लिया टोपर ने ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए इसको बनाते हैं इसमें टोपर ने लिए लिएव और एवरेज टाइम है इसका एटी सेकेंड का अब क्या ये वाला क्वेश्चन हम ढूंढ सकते हैं क्या बोला जा रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैड बीन डिफाइंड एज हार्ड टू हिट हार्ड टू हिट सबसे ज्यादा हिट किसको पहुंचा सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा ये चेक करना है चलो आज वो मेरे साथ ढूंढो हार्ड टू हिट सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा

एक मिनट हमने टाइम कितना लिया योर करंट टाइम हमने 63 ले यहाँ पे ले टाइम पे ज़्यादा लिया अपन ने अब इस वाले से सब पता लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन हमने जल्दी करा कौन सा लेट करा ठीक है कोई बात नहीं बेटा यहाँ पे टोपर आगे निकल गया कोई दिक्कत नहीं आगे आ जाओ और देखो टोपर कभी कभी मैं ये नहीं कह रहा हर मुख में लेकिन कभी कभी टॉपर फेक भी होते हैं वो सीधा आके आंसर भी लगा देते हैं

तो यहां पे क्या बोला जा रहा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज टेकन अ बीटिंग ड्यूरिंग थर्ड वेव ऑफ पैंडेमिक आर प्लानिंग पहले इसको रीड कर लेते हैं दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक ठीक है मल्टीप्लायर द इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल द इंडस्ट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय द देंडेमिक एंड इज स्ट्रेटजीज सॉरी एंड इज स्ट्रेटेजाइजिंग फॉर सर्वाइवल पोस्ट द पेंडेमिक ठीक है ओके okay, चलिए इसको बनाते हैं सबसे पहले मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमिक पे fact, employee, yes, मतलब, जिसमें होगा वो हमारा आंसर होगा नोट वाला तो नहीं बताना ना ट्रू वाला बताना सेकेंड वाला आंसर होगा ठीक है दूसरा मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड चलो वो ऑप्शन सेकेंड तो हमें चाहिए, चाहिए। तो देखो फर्स्ट और सेकंड चाहिए चाहिए तो ना सेकंड है ना फर्स्ट है फर्स्ट और सेकंड चाहिए मतलब इसका मतलब ऑल ऑफ अब मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या क्लियर है सभी को बताइए क्या यहां तक क्लियर है तो इसका आंसर क्या आएगा हमें ऑल लगाना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए फर्स्ट और सेकंड हमें मिल ही गए फर्स्ट और सेकंड तो फर्स्ट और सेकंड का कोई पर्टिकुलर ऑप्शन तो बन नहीं रहा तो अब हमें ऑल दी अबव पे जाना ही पड़ेगा अब आप देख रहे होंगे टॉपर ने फिफ्टी सेकंड लिए लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को फिफ्टी सेकंड में हम नहीं बना सकते थे है ना हमें टाइम चाहिए होता हमें क्रॉस चेक करना ही होता एवरेज टाइम इसका जो ले रखा है इससे हम बहुत बहुत आगे हैं इन्होंने वन थर्टी थ्री लिया हमने एट्टी वन सेकेंड लिया क्या क्लियर है सभी को और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए कर रहा हूँ अगर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा तो मुझे दस सेकेंड और कम लगेंगे क्लियर है

उट ऑफ देर हाउस एंड है ये हार्डशिप इन्होंने यहाँ पर फेस करी अब आ जाओ मिनिमम फूडफॉल बिल्कुल सही है इन रेस्टोरेंट ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ पीपल इन मूविंग आउट ठीक है सही है डिफिकल्टी इन सेविंग दियर रेवेन्यूज बिकॉज रेंटल है बिल्कुल सही है रेंटल हैव नॉट बीन ऑफ का मतलब रेंट माफ नहीं किया गया था इसलिए फर्स्ट और सेकंड तो आंसर होगा ही होगा तो एक काम करते हैं या तो ये आंसर होगा नहीं तो ऑल का ऑप्शन है क्या नहीं ऑल का ऑप्शन नहीं है तो छोड़ो फिर थर्ड वाले को रेडी बो तो फर्स्ट और सेकेंड ही आंसर होगा क्या क्लियर है सभी को क्या यहाँ पर सभी को क्लियर है बताइए किस तरीके से हमें करना है यस उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा और आप सब समझ भी दें टाइम की अहमियत हमें टाइम कम लग रहा है अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ देखिए वन नाइनटीन सेकेंड लगे तो भी मैंने एवरेज से कम टाइम लिया सोचो अगर हम अकेले में इस क्वेश्चन को कर रहे होते या आप खुद से कर रहे होते या भी ये अप्रोच सीख के प्रैक्टिस कर रहे होते तो आपका आंसर और जल्दी आ सकता था क्लियर है सभी को अगर बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए देखिए टॉपर का टाइम इसलिए हर क्वेश्चन में हम नहीं मान सकते क्योंकि तो टॉपर कभी कभी सीधा आंसर वाले भी होते हैं सीधा आए आंसर लगा दिए आगे बढ़ गए ठीक है चले आगे चलिए इसको बनाइए वट आर देंट टू कोप अपमिक तो आपको ये बताना है कि उन्होंने क्या मेजर्स अपनाए आ जाओ देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाओ अभी आपने ये बताया कि इनको ये ये तकलीफें उठानी पड़ी अब इसके बाद ही बताएगा ना इन्होंने क्या क्या मेजर्स उठाए होंगे तो इसके बाद ही आपको ही मिलेगा तो आपको बच्चों की तरह ऊपर से रीड करते हुए नहीं आना इतना तो दिमाग लगाना है ये बात इसके बाद ही बोली जाएगी

फोर्टीन आ रहा है इसका मतलब क्या है हम बहुत आगे हैं स्टूडेंट से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो भी मेरा टाइम कम है तो मानिएगा अगर आप खुद से कर रहे होंगे तो आप कितना कम टाइम yes, है सभी को चले आगे चलिए पे। इसको बनाइए विच ऑफ वर्ड फिल विल ब्लैंक तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए अगर आपको टफ लग रहा है ये वाला क्वेश्चन तो आप स्किप कर सकते हैं देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या बोला जा रहा है इसको रीड कर लेते हैं कहां से रीड करें पूरा रीड करके आना पड़ेगा दे बिलीव डेट एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग एंड दिस टाइम दे हैव ऑब्जर्व फर्दर डेथ रेट्स एंड पीपल फाइटिंग एंड रिकवरिंग मोर देन द प्रीवियस टू ओकेशंस विच होप रेस्टोरेंट विल सून बी बैक इन देम एश्योरिंग डैश सेफ्टी तो कैसी सेफ्टी आउटमोस्ट सेफ्टी बहुत खतरनाक तरीके से हमें सेफ्टी के ऊपर एश्योर करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा तो आउट मोस्ट आंसर हो गया हमारा क्लियर है सभी को चलें आगे चलिए विच ऑफ दर्ड्स इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू इम्पोस्ट इम्पोस्ट का सिमिलर मीनिंग क्या है

एक मिनट रुको जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है मैं उसके पास आपको ऐसे लेके चलता हूं जो क्वेश्चन ना ट्रू फॉल्स वाले मैं आपको ऐसे करवाता हूं क्वेश्चन जूम कर लेते हैं ये सेक्शन सबमिट करना पड़ेगा ये भी सबमिट करना पड़ेगा हम्म इधर आ जाइए ये आगे इंग्लिश आरसी सी था ये वाला हमने कर लिया था क्वेश्चन कर कर था था हमने ये भी कर लिया था। यहां पर थे हम इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है विच ऑफ आर ट्रू एज पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तो चलो इसमें से कुछ ना कुछ क्लू हम जरूर निकालेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे देखिए बिजनेसेस आर इन In a state of confusion because the the there is uncertainty with respect to स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज इजेटी मेरी बात सुनो एक अगर हम वन, वन, ये देख ले तो एक ऑप्शन तो हमें पता लग जाएगा ट्रू एयर फोल्स है तो आप देख पा रहे होंगे इसके सामने ही लिखा हुआ है वन, Has 108 years और यहाँ पे 110 हंड्रेड एंड टेन ईयर्स की बात हो रही है थर्ड तो गलत है और थर्ड किसमें थर्ड है ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा या तो सेकेंड होगा या तो फर्स्ट और सेकेंड होगा मतलब सेकेंड तो हो ही सकता है फर्स्ट को जरा अच्छे से चेक कर ले अगर मान लो फर्स्ट मिल गया बाई चांस गलती से मिल गया तो हम आंसर सी लगा देंगे फर्स्ट नहीं मिला तो आंसर ए लगा देंगे तो पहले फर्स्ट ढूंढ लेते हैं तो बिजनेस आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो बिजनेस कन्फ्यूजन के स्टेट में थे ठीक है ये पता लगा लेते हैं और एक काम करते हैं अगर कोई टेक्नोलॉजी मिलेगा वर्ड तो ये भी जरा चेक कर लेंगे है ना आ जाओ मेरे साथ इसको ढूंढते हैं तो ये स्टार्टिंग है तो यहां पर देख लेते हैं बिजनेस जो थे वो कन्फ्यूजन में है क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी आर इन फ्लक्स बिकॉज नो वन नोज इज हैपन नेक्स्ट अरे यार फर्स्ट तो मिल गया देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है प्लानिंग एंड आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स फ्लक्स का मतलब भी क्या होता है उलझन कंफ्यूजन बिकॉज नो वन नो क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा इसका मतलब क्या है फर्स्ट मिल गया अब फर्स्ट मिल गया तो सेकंड रीड मत करो आंसर यही होगा ठीक है ये होती है अप्रोचेस ऑप्शन के जरिए हम आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं क्लियर है चले आगे ये क्वेश्चन भी हो गया बना सकते हैं कौन है क्या क्या सा क्वेश्चन छोड़ा था नहीं ये भी कर लिया था एक मिनट और कोई क्वेश्चन छोड़ा है क्या स्टार्टिंग से आ जाते हैं आरसी के कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो पता लग जाएगा मैं नहीं चाहता मैं कोई क्वेश्चन छोड़ू ये कर लिया हमने ये कर लिया ये भी कर लिया लिया, वाला भी कर ठीक है, अब सारे RC हो है. सारे questions हो हो गए, गए, मतलब तो तो देखिए ये था हमारे पास तीसरा question. Sorry. तीसरा RC. तो कैसा लगा आपको? तीन RC हमने डिस्कस करें. एक आर और बच रहा है वो और शानदार आरसी तो वो भी देख के जाइए अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए मजा आएगा ठीक है अगर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको कहीं नहीं बताया जाएगा सब यही कहेंगे रीड करो देखो हम रीड करने में डरते नहीं है लेकिन रीड करने के बाद भी हमें श्योरिटी नहीं मिलती है ना कि वो आंसर सही लगा रहे हैं हम नहीं लगा रहे हैं एक्यूरेसी नहीं आ पाती है यहाँ पे क्या एक्यूरेसी साफ पता लग रही है भाई मिलेगा तो लगाएंगे नहीं तो स्किप कर देंगे एटलीस्ट गलत तो नहीं होगा चलो अब लास्ट लास्ट आर पे चलते हैं अपने ये रहा इसका राशो का ले रहा हूं कोई बात नहीं भागना मत एस क्लर्क वाले हों चाहे आई क्लर्क वाले हों या एस बी वाले हों देखो इंग्लिश सबके लिए एक है अप्रोच सभी के लिए एक है ठीक है अब इधर आ जाओ इसका देखो इसका आरसी अच्छा है, इसलिए करवा रहा हूं ठीक है आ जाइए इसका आरसी निकाल के दे रहा हूं लास्ट आरसी इसका अच्छा है हैंग हो गया क्या यस क्वेश्चन इसमें भी एट क्वेश्चन है आज मेरे साथ एट क्वेश्चन है ये इनकरेक्ट वाला हम करेंगे क्या इनकरेक्ट वाला करेंगे क्या कैसे टेप्स बढ़िया मजा आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें स्टूडेंट काफी कम है आज हमारे साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए चलिए देखिए इनकरेक्ट वाला बाद में देखते हैं पहले सेंट्रल थीम भी बाद में देखते हैं ये बना लेते हैं इसमें नेम दे रखा है तो नेम ढूंढ के हम पता लगा लेंगे भाई बात क्या हो रही है आप बताओ इसका आंसर क्या होगा जो स्लाइड मैंने रोक रखी है उसी में आंसर है यहां पे क्या बोला जा रहा है बर्लिन रेडियो शो किसके ऊपर था बर्लिन रेडियो शो हैज लॉन्ग बीन फेमस फॉर एग्जीबिटिंग द नेक्स्ट बिग थिंग इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अबाउट नहीं ऑफन नहीं पॉडकास्ट नहीं डिस्कस द अपकमिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यस डी ऑप्शन आई बात समझ में अच्छा आरसी है यस ये, ये एसओ का पेपर है आई बी पी एस एसओ पिलियम स्लाइड टेस्ट अच्छा आरसी है इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्या क्लियर है सभी को डी आंसर कैसा आएगा चले आगे चलिए ट्रू वाला बोल रहा है ट्रू वाला बाद में करते कोई बात नहीं इसको बनाए क्या डिफरेंस बताना है डिफरेंस वाला भी बाद में कर लेते हैं डिफरेंस के लिए भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच इज लॉन्ग इन दी फ्रेज बर्लिंग रेडियो शो हैज लॉन्ग बीन फेमस फॉर ये कैसा क्वेश्चन है हमें बताना है लॉन्ग की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है चलो बता देते हैं एक बार फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ तो लॉन्ग कहाँ पे लगा हुआ है हैज लॉन्ग बीन फेमस तो बिन मतलब और हैज मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगा हुआ है तो ये एडवर्ब होगा तो ये एडवर्ब तो है ठीक है चलिए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है विच वर्ड इन दी पैसेज दी सेम रिप्लेस को किससे चेंज कर सकते हैं अपन? रिप्लेस का क्या होगा? ये पूछ रहा है। replace का सीने सुपर सीड ठीक है कोई बात नहीं एक काम करते हैं रिसर्जेंस का मतलब तो वापिस से होता है ना वापिस से कोई चीज निकल के आ रही है वापिस से उत्पन्न हो रही है वापिस से जनरेट हो रही है मोनेटाइज करने का मतलब देखना ध्यान रखना मोनेटाइज करना पैसे देना ये हो सकता है ठीक है कोई बात नहीं एक एक मिनट आगे देख लेता हूँ आगे बचाया क्या क्वेश्चन यस आगे बचा है फेडेलाइट yes, फेडेलाइट चलो एक काम करते हैं पहले अपन मेन क्वेश्चन आंसर पे आते हैं इसमें मतलब ये अच्छा आर है सब यही पूछा गया है इनकरेक्ट फॉल्स और ट्रू तो पहले इसको बनाते हैं आ जाओ मेरे साथ एक क्वेश्चन इजी था बना दिया हमने अभी इधर आ जाओ फॉलोविंग इज आर इन करेक्ट इन रेफरेंस टू कैसे टेप्स कैसे टेप्स क्या इनकरेक्ट है कैसे टेप्स के बारे में क्या गलत है ये बताना है तो देखो यहां पर पहले रीड कर लेते हैं ऑप्शन छोटे है तो ऑप्शन को रीड करके चलते हैं पैसेज में ढूंढने कैसे टेप्स वर कॉम्पैक्ट डिवाइस जो कैसे टेप्स होते हैं कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है

एक पॉइंट रखते हैं तो वो गोल गोल घूमती है और उसमें से म्यूजिक निकलता है। तो, उसको कहते हैं। ठीक है? है तो यहां पर क्या cassette, तो मिल गया मतलब ए ऑप्शन तो सही है तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट दे, मतलब, दे रखा है वो तो आंसर हो गई होगा या तो ये हमारा आंसर हो सकता है ऑप्शन एलिमिनेशन सीखिएगा मुझसे या तो हमारा आंसर ए होगा नहीं तो हमारा आंसर डी होगा क्या बोला मैं या तो हमारा तो आंसर ए होगा नहीं तो हमारा आंसर डी होगा तो हमें यहां पर कैसेट के बारे में बताना है कैसे टेप्स के बारे में तो फर्स्ट तो होगा ही आंसर तो या तो ये लगाऊंगा आंसर या तो ये लगाऊंगा या तो थर्ड होगा या तो सेकंड होगा चलो दोनों में से जो मिलेगा हम वो लगा देंगे तो पैंडेमिक वाला वर्ड देख लें पैंडेमिक तो लिखा ही होगा पैंडेमिक का सिनोनिम्स क्या बनाओगे तो पैंडेमिक तो मिलना ही मिलना ही मिलेगा ही मिलेगा इसमें आज मेरे साथ पैंडेमिक ढूंढते हैं कहीं ना कहीं पैंडेमिक जरूर दिया होगा इन्होंने तो पैंडेमिक मेरे साथ ढूंढी आप लोग और पैंडेमिक के बारे में हम समझेंगे ऐसे आपको अप्रोच लगानी देखिए मिल गया मुझे पैंडेमिक ये मिल गया अब आप रीड करिए बताइए सेकेंड वाला सही है गलत है सेकेंड वाला इन कैरेक्टर है सही है इनकरेक्ट बताना है करेक्ट वाला बताना है फिर गलत ना कर दे हम। अरे यार, इनकरेक्ट बताना है। दूसरी बार ऐसा हो जाता है वो आंसर नहीं होगा ये गलत है ये आंसर नहीं हो सकता और डी आंसर नहीं हो सकता ठीक है तो ए डी आंसर नहीं हो सकते ई e में क्या बोला गया सेकेंड और थर्ड बार बार गलती हो रही है देखो जिसमें फर्स्ट होगा वो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इनकरेक्ट बताना है तो ये भी आंसर नहीं होगा तो सेकंड देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ गया पैंडेमिक अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ अ पेंडेमिक दैट हैज डन ह्यूज डिमांड टू द म्यूजिक इंडस्ट्री टू थाउजेंड ट्वेंटी को जस्टिफाइबल बी कोल्ड ईयर ऑफ क्या बोला जा रहा है पैंडेमिक का का like तो 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 बिल्कुल सही सही बात है, resurgence है है, हो गया, तो मतलब second भी सही है. तो first और second जिस ऑप्शन में होंगे वो हमारा आंसर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है ओनली थर्ड हमारा आंसर होगा क्योंकि तो यहां पर ऐसा तो बोला ही नहीं गया ऑल ऑल तो ऑप्शन ही नहीं है तो ओनली थर्ड हम आंसर लगा सकते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन था ऐसे करना था इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट बताना है इनकरेक्ट बताना था ना तो देखिए फर्स्ट और सेकंड तो हमें मिल ही रहा है सेकंड यहां पर मिल गया ये रहा पेंडेमिक को लेके बात हो रखी थी यहां पे क्योंकि इसको क्या बोला गया कॉल्ड द ईयर ऑफ द कैसेट 2020 को कैसेट ऑफ द ईयर बोला गया मतलब उस समय कैसेट ज्यादा सुनने आई होगी ज्यादा बिकी होगी ऐसी कुछ बात हुई होगी तो इसलिए सेकेंड और फर्स्ट सही हो गया तो हमें इनकरेक्ट देना तो थर्ड ही आंसर लगाना पड़ेगा क्लियर है सभी को चले आगे सेंट्रल थीम क्या है सेंट्रल थीम को भी छोड़ो ये कर लिया हमने ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं क्या ट्रू है ट्रू क्या है ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और थर्ड तो मैं ये ऑप्शन यहां पे लिख देता हूं ऑप्शन डी और ई लिख देता हूं फिर हम दो सब मिलके आराम से करते हैं ऑप्शन डी है फर्स्ट भी है सेकंड भी है और थर्ड भी है और ऑप्शन ई कह रहा है सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड अब आ जाओ वाला बताना है यस अगर आरबी ग्रेड बी के स्टूडेंट यहां पर हमें देख रहे हैं जनरल अवेयरनेस अगर आपको कवर करना है आरबी ग्रेड भी अगर अच्छे से कवर करना है तो राहुल सर हमारे बीच मौजूद हैं राहुल सर का चैनल है राहुल आप वहाँ पर जाइए आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का डिटेल एनालाइज वहाँ पर देखने को मिलेगा जो स्टूडेंट बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते हैं चलिए अब इधर आ जाइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको ट्रू वाला बताना है तो आपको पता है यहाँ पर हमें सबसे इजी क्या पड़ेगा सबसे इजी आईपोर्ड पड़ेगा तो मैं आईपोड पे आपको लेके चलता हूँ पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे चेक करता हूँ कुछ की देख लेता हूँ जैसे आईपोड मुझे मिल मिल सकता सकता है है मिक्स टेप मिल सकता है मुझे कैसेट टेप मेड लिसनिंग टू म्यूजिक पॉसिबल आउटसाइड मतलब कैसेट के जरिए हम घर के बाहर भी सुन सकते हैं ये कैसेट के जरिए पॉसिबल हो पाया ठीक है अब आ जाओ मेरे साथ तो सबसे पहले आईपैड ढूंढते हैं ना आईपोड जल्दी मिलेगा आ जाओ मेरे साथ ये देखो ये रहा मिल गया आईपोड क्या बोला जा रहा है यहाँ पे इन्होंने An of iPod. तो बोला जा रहा है जो वॉक्समैन था वो अर्लियर वर्जन था तो यहाँ पे देख लीजिए तो अर्लियर तो का ही अपोजिट होता है एंटीनोम कह लेते हैं अपन अर्लियर का एंटीनोम होता है अपोजिट वर्ड होता है ठीक है प्री करशन क्या होता है प्री कर तो इसका मतलब क्या है तो उल्टी बात बोल रहा है थर्ड तो ट्रू होगा नहीं मतलब जिस ऑप्शन में थर्ड है वो हमारा आंसर हो नहीं सकता ठीक है तो देखो डी ऑप्शन भी कट हो गया क्योंकि डी में भी थर्ड है और ई e में भी थर्ड है मतलब डी और ई e और सी ऑप्शन कट हो गया या तो आंसर ओनली वन होगा या ओनली टू होगा हमें ट्रू देखना है ना तो सी तो गलत है डी भी गलत हो गया और ई e भी गलत हो गया क्योंकि इन सब में थर्ड तो आ ही रहा था और थर्ड अभी अभी हमने देखा थर्ड में उल्टी बात बोली जा रही है तो थर्ड तो आंसर होगा ही नहीं अब हम एक काम करते हैं मिक्स टेप को देख लें क्या Tape, preceded playlist. तो देखिए पे लिखा भी हुआ है तो विथ मिक्स स्टेप आपको पता है ना आप रीजनिंग में करते हैं प्रिसीडेड बाय बाय तो बायसिडेड का मतलब क्या होता है इसके जस्ट पहले जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे मैंने अल्फाबेट लिखा आर इसके यहाँ पे मैंने लिखा टू और यहाँ पे मैंने लिखा फोर तो अगर वो बोलता है अल्फाबेट बाय ओड नंबर तो देखो एक एक है ना मैं यहाँ पर एक इवेंट कर देता हूँ एक ओड कर देता हूँ जिससे मैं आपको अच्छे से बता बताऊँ ये तीन और ये चार

कर्शर टू प्ले लिस्ट प्री करशर प्रिसीडेड प्री एक ही बात है तो प्रीसीडेड इज इक्वल टू प्री होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला है वो बिल्कुल सही बोला जा रहा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ओनली सेकंड आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन ही नहीं था तो फर्स्ट को रीड करने की जरूरत ही नहीं तो हम इसका आंसर क्या लगा देंगे ओनली सेकंड लगा देंगे क्या क्लियर है सभी को बताइए यस yes. यहां तक क्लियर है सभी को अगर बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें शेयर कर दें यार बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने कंटेंट मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और कोई भी आपके सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ठीक है चलें आगे चलिए इसको बनाएं क्या बोला जा रहा है वॉट आर दी करेक्ट लाइन्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैसेटेज एंड अदर फॉर्म ऑफ म्यूजिक प्लेयर मैंशन इन दी पैसेज बोला जा रहा है कैसे टेप्स और जो और जो म्यूजिक सिस्टम्स या म्यूजिक के बारे में बात करी गई है उसमें क्या डिफरेंसेस है ठीक है आ जाओ तो आप देखो इसको एक बार तो बिना पैसेज को रीड करे भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो क्या आइडिया लगा सकते हो देखो समझो सी डी अलाउस मोबाइल एक्सपीरियंस इन लिसनिंग टू म्यूजिक अनलाइक कैसेट्स तो जो सी डी है वो अलाउ करती है मोबाइल एक्सपीरियंस को जैसे कि कैसेट नहीं कर पाती अब आप बताओ कौन सी सी डी है जो मोबाइल में लग जाती है ये तो गलत हो सकता है ना पर कोई बात नहीं अभी छोड़ो vinyl records were more functional than cassette tapes तो बोला जा रहा है जो vinyl records हैं वो बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं उसके अंदर कैसेट से तो ये भी एक बार इसको चेक कर लेंगे आराम से मिल जाएगा boom box could use cassette tapes but not CDs तो देखो boom box का मतलब आपको पता ही होगा boom box क्या होता है नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको याद होगा पहले ऐसे यूं ऐसे टेप चलते थे ऐसे यूं आपने देखा होगा पीके वाली मूवी में पीके वाली मूवी में वो टांग के आता है ना आमिर खान तो उसको बूम बॉक्स कहते हैं ऐसे नहीं होते रेडियो प्लेयर्स बड़े बड़े होते थे ऐसे अपन लेके जाते थे हाथ में उठा के तो उसको हम बूम बॉक्स कहते हैं तो बोला जा रहा है बूम बॉक्स यूज कैसेट तो बूम बॉक्स के अंदर आपको पता है खुल जाता था कैसे डाल देते थे ये भी खुल जाता था कैसे डाल देते थे तो बोला जा रहा है बूम बॉक्स कैसेट को तो यूज करता है कैसे टेप्स को यूज करता है लेकिन सीडी यूज नहीं करती सॉरी बूम बॉक्स कैसेट को तो यूज करेगा लेकिन सीडी को नहीं करेगा तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि भाई हमें बताइए कि डिफरेंस बताइए कैसे टेस्ट में और अदर में तो एक तो मेरे को थर्ड इसका डिफरेंस लग रहा है ठीक है एक बार अपन वाइनिल देख लेते हैं तो बोला जा रहा है वाइनिल के अंदर ज़्यादा फंक्शन होते हैं कैसे से ज़्यादा फंक्शन वाइनिल में होते हैं तो वाइनिल को ढूंढ लेते हैं वाइनिल रिकॉर्ड्स कहाँ पे लिखा हुआ ये रहा तो क्या बोला जा रहा है डिस्पाइट बींग कंसिडर एसेथेटिकली एंड मटेरियली इन्फीरियर इन्फीरियर

देखो फर्स्ट हो आपको बिना रीड करे भी पता है सीडी अलाउ मोबाइल एक्सपीरियंस सीडी मोबाइल एक्सपीरियंस कैसे अलाउ कर सकती है क्योंकि तो सीडी मोबाइल में लग नहीं सकती फिर भी देख लो भाई वैसे तो सीडी का नहीं होगा ठीक है मैं ओनली थर्ड लगा रहा हूँ इसमें ओनली थर्ड इसका आंसर आएगा क्या क्लियर है सभी को बताइए ये अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने आपके लिए आज सारे ही जितने भी आरसी थे सारे ही शानदार सेलेक्ट कर रहे थे ईजी आर एक भी नहीं लिया था तो मैं बताना चाहता था आपको टफ़ से टफ़ आर भी आ जाए तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं अब ये सब आपको प्रैक्टिस में लेकर आना है जब आप प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तभी आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे अच्छे मार्क्स ला पाओगे और हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी तक जा पाओगे तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी इसको आप प्रैक्टिस करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने सजेशंस अपने कमेंट अपने फीडबैक जरूर लिखिएगा ये लाइव कमेंट है वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर अपने फ़ीडबैक लिख के जाइए और कुछ समझ में नहीं आया तो बता के जाइए पूछिए मैं आपके आंसर आप देता हूँ ठीक है चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आज की क्लास इतना रखते हैं आज हमने टोटल चार आर सी डिस्कस करे हैं तो आप लोगों को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा पहला जो आर सी था वो बहुत अच्छा आर सी था कोई बात नहीं मैं जैसे एक क्वेश्चन गलत करा आप भी कर सकते हैं तो उसको समझिए उसको बनाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए ठीक है चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए थैंक यू